हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज मैं तुम सबके लिए फिर से एक नया हॉरर किस्सा लेकर आया हूँ। ये हॉरर किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग है और ये एक हॉन्टेड फ्लैट का किस्सा है जो दिल्ली का है। एंड सबसे बड़ी बात, मेरा एक फ्रेंड है जो दिल्ली में रहता है, उसने ये किस्सा मेरे साथ शेयर करा कि उनके साथ ये सब हुआ है। मैं आज तक अपने फ्रेंड से कभी मिला नहीं था क्योंकि वो मेरा ऑनलाइन फ्रेंड था। मैं यूट्यूब पर जैसे काम करता हूँ, वो मार्केटिंग एजेंसी का काम करता है, तो हम व्हाट्सएप के थ्रू मिले थे। उसके बाद हम कॉल वगैरह पे बात करने लगे। एंड रिसेंटली वो चंडीगढ़ आया हुआ था वीडियो के रिगार्डिंग काम करने, तो वो मुझसे फर्स्ट टाइम मिला। तो वो मेरे साथ मेरे घर पर ही रहा। एंड रात को जब हम खाना वगैरह खाकर मेरे घर पर बैठे हुए थे, तो उसको सिर्फ इतना पता था कि मेरा एक व्लॉगिंग चैनल है। जब उसको पता लगा कि मेरा एक थ्रिल टेल्स एक चैनल है जिसमें मैं हॉरर स्टोरी शेयर करता हूँ सबकी, तो उसने मेरे साथ अपना हॉरर किस्सा शेयर करा कि मैं वो यहाँ शेयर करूँ सबके साथ। तो बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, एंड तक इसे ज़रूर देखना। एंड जो जो इस चैनल पर नया, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा किस्सा है जो तुम लोगों को लगता है कि सबके साथ शेयर होना चाहिए और रियल किस्सा है वो, तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल ये रहा, यहाँ मुझे फॉलो करो। यहाँ मैं तुम्हारी स्टोरीज़ को रीड करूँगा एंड सबके साथ यहाँ शेयर करूँगा। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का अपना हॉरर किस्सा शुरू करते हैं। तो मेरा फ्रेंड ऋषभ, उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ। वो दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहता है, बट दिल्ली में उसके 3-4 फ्लैट्स और हैं। अब वो 3-4 फ्लैट उसके पास इसलिए हैं क्योंकि वो मार्केटिंग एजेंसी के साथ साथ शॉर्ट वीडियोस भी बनवाता है टीम से। वो टीम एक्टर्स वगैरह लेकर आता है, वो उन फ्लैट्स पर शॉर्ट स्टोरीज बनाते हैं, उन्हें शूट करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे वो ऋषभ को सारा मटेरियल दे देते हैं और ऋषभ उन सबको एडिट करता है और अपने हिसाब से चैनल्स पर अपलोड करता है। तो वैसे ही ये लॉन्ग वीडियोज़ का भी एक्टर्स से वीडियोज़ बनवाता है और उनके लिए भी उसने 2-3 फ्लैट्स ले रखे थे कि वहाँ तुम शूट करा करो, अपनी स्टोरीज बनाया करो और एट द एंड ऑफ द डे मुझे दे दिया करो। तो वो ऐसे सारा का सारा काम ऑर्गेनाइज करता है और मार्केटिंग एजेंसी का भी करता है। तो अपनी फैमिली के साथ वो रहता था फ्लैट पर, वहाँ सब ठीक था। पर जो उसने फ्लैट्स रेंट पर ले रखे थे शूटिंग के लिए, उनमें से एक फ्लैट जो उसने रिसेंट परचेज करा था वो दिल्ली से थोड़ा सा बाहर था और वो काफ़ी खाली जगह पर था, सुनसान जगह पर था। एंड वो घर ऐसा था, फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर, वो ना फ्लैट्स टाइप में था, बट वो दोनों की दोनों जो स्टोरीज थी वो पूरी पूरी खाली पड़ी थी। वहाँ जो ऑनर था वो भी काफ़ी टाइम से नहीं था। तो उसको ना वो लोकेशन बहुत अच्छी लगी कि शांत है, शोर शराबा भी नहीं होगा और वो 2 फ्लोर है और जेन्युइन रेट्स पे मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं इसको रेंट पे ले सकता हूँ, तो मेरे लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल होगा, ऋषभ ने ऐसा सोचा। और ऋषभ ने ऑनर से बात करी, ऑनर के लिए बहुत अच्छी बात थी क्योंकि काफ़ी टाइम से उसका जो घर था, फ्लैट था, फर्स्ट फ्लोर ग्राउंड फ्लोर, वो नहीं चढ़ा हुआ था रेंट पर, वो अनटच था काफ़ी टाइम से। तो उसने बात करी ऋषभ से और ऋषभ को वो रेंट पर दे दिया। तो ऋषभ ने कहा मुझे 5-6 महीने के लिए चाहिए, सिक्योरिटी वगैरह दे दी, डील डन होगी। अब ऋषभ ने जिस टीम को, जिन एक्टर्स को हायर करा था और कहा था तुम उस फ्लैट पर जाकर जो स्टोरीज है उन्हें शूट करोगे, वो स्क्रिप्ट वगैरह उन्हें दे देता था, तो तुमने उस लोकेशन को बता दिया ऋषभ ने कि ये फ्लैट है, यहाँ तुमने डेली ये जो स्क्रिप्ट्स दिए हैं इन्हें कंप्लीट करना है और बनाना है, अपना काम करना है, यहाँ आना है और जाना है अपने अपने घर। वहाँ रात को कोई नहीं होता था, कभी कभार जब ये लेट नाइट तक शूट करते थे तब वहाँ रुक जाते थे। अब जब ये उस घर में जाते हैं, ग्राउंड फ्लोर ठीक था, जब ये फर्स्ट फ्लोर पर जाते हैं, जो फ्लैट था फर्स्ट फ्लोर पर, डोर से एंटर करते ही एक ना फ्रेम पर एक बच्चे की फ़ोटो थी। अब वो इसी फैमिली का कोई बच्चा था क्योंकि वो अनटच थे फ्लैट, तो इन्होंने भी कोई चीज़ वहाँ टच नहीं करी थी ज़्यादा, थोड़ा बहुत अपना सामान रखा था, बाकी अनटच था। और ना भगवान के लिए पूजा करने के लिए एक छोटा सा फ्रेम टाइप में था, उसकी वहीं पर ना एक औरत की फ़ोटो भी थी। अब मैं उसे औरत नहीं कहूँगा, वो 28-30 साल की थी, जवान लड़की ही कह सकते हैं उसको, उसकी फ़ोटो भी थी और उस पर हार चढ़ा हुआ था, तो इनके घर की कोई मेंबर रही होगी, तो इन्होंने उसे भी टच नहीं करा। अब ये ना जब अपनी शूटिंग करते थे वहाँ, तो इन्होंने रियलाइज़ करा कि ना वो नीचे से लेकर ऊपर तक फ्लैट खाली था, आसपास भी सब खाली था। इनको ऐसा लगता था शूटिंग के दौरान कि नीचे से ना कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ये सब अगर फर्स्ट फ्लोर पर है तो इन्हें लगता था कि ग्राउंड फ्लोर पर कोई है और ना आवाज़ें आ रही हैं, लड़कियों की आवाज़ें। ये नीचे जाकर देखते थे और कोई भी नहीं होता था। ये इंसिडेंट इनके साथ काफ़ी बार हुआ। इनको ये चीज़ भी फील होती थी कि जब ये अंदर होते थे ना फर्स्ट फ्लोर पर, कि जो स्टेयर्स है वहाँ से कोई चलकर आ रहा है, चलकर जा रहा है, चलने की आवाज़ें आती थी। तो इन्होंने बहुत बार नोट करा, बाहर आकर देखते थे कोई भी नहीं होता था। तो इन्होंने काफ़ी टाइम, 2-4-5-6-7 दिन ये नोट करा, ऑब्जर्व करा। उसके बाद इन्होंने मेरे दोस्त को बताया, ऋषभ को, यार उस फ्लैट में कुछ अनयूजुअल है, कुछ ख़राब है। अब ऋषभ ने इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करा, ऋषभ ने कहा जो तुम्हारा काम है यार उसे फिनिश करो,
स्क्रिप्ट्स पूरी करो और अपना शूट करके घर जाया करो, इन फालतू चीज़ों में ध्यान मत दो। अब जो एक्टर्स थे उनमें से एक लड़की थी, उसके साथ कुछ ज़्यादा ही हो रहा था, मतलब उसको हैवी हैवी फील होता था। अब कुछ होते हैं ना जिनके ग्रह कमज़ोर होते हैं, वो पकड़े जाते हैं, वो इन नेगेटिव कॉन्टेक्ट्स होते हैं ना जो स्पिरिट्स के, उनमें जल्दी पकड़े जाते हैं, उन पर जल्दी कंट्रोल करना आसान होता है। तो एक लड़की थी जिसको काफ़ी हैवी फील होता था, और उसको सबसे ज़्यादा फील होता था जब वो कभी नैप लेते थे ना, तो उसको ऐसा लगता था कि ना कोई गला दबा रहा है, ऐसा फील होता था कि ना कि कोई चल कर गया, कोई बगल में है, कोई बाहर से चल रहा है, ऐसा सा फील होता था उसको। बाकी सबको भी हो रहा था जब वो शूट करते थे कि बाहर कोई चला, नीचे से आवाज़ें आना, बट उस लड़की के साथ सबसे ज़्यादा हो रहा था ये, और उसने शेयर करा। तो ना इन्होंने के साथ ही काफ़ी जब हुआ हुआ हुआ, एक दिन ऐसा आता है कि ये सारे के सारे वहीं सो जाते हैं रात को, और जिस रूम में वो लड़की सोती है उस रूम में उसके साथ क्या होता है, उसको सपना आता है कि एक लड़की है जो पंखे पर लटकी हुई है, और ना मतलब वो लटकी हुई है पंखे पर, और ना वो ऐसे इसको देख रही है, और उस लड़की को ये सपना आया और वो एकदम से उठ गई। उसने ना जैसे उठने के बाद थोड़ा पसीना आ गया डर की, क्योंकि माहौल यहाँ ऐसा ही हो रखा था, बट काम की वजह से फंसे हुए थे यार, काम करना तो रुकना पड़ेगा। तो उसने सबको बताया और सबका यही था रिएक्शन, यार यहाँ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। जैसे तैसे उन्होंने वो रात वहाँ काटी, और फिर नेक्स्ट डे आए गए उन एक्टर्स ने कहा कि भाई हमसे ये चीज़ नहीं हो रही है, उन्होंने वो चीज़ ही छोड़ दी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम या तो दूसरे किसी फ्लैट में काम करेंगे, इस फ्लैट में हम काम नहीं करेंगे। तो उस फ्लैट के लिए वो नवे एक्टर्स लेकर आया, और 3-4 दिन बाद सेम एक्टिविटी शुरू, और वो एक्टर्स भी मेरे फ्रेंड ऋषभ को बोलने लगे कि यार यहाँ कुछ अननॉर्मल है, मतलब ऐसा फील होता है। हाँ, सबसे बड़ी बात मैं बताना भूल गया कि जब उनका कुक आता था खाना बनाने, तो जैसे वो कुक खाना बना रहा होता था ना, ये सब ग्राउंड फ्लोर पर होते थे, तो बालकनी वाला रूम, वो फर्स्ट फ्लोर पर खाना बनाता था, जो बालकनी वाली साइड थी ना, वहाँ से ठपठपाने की आवाज़ आती थी दरवाजे से बहुत ज़ोर की। अब जब कुक जाकर देखता था कि वहाँ कोई भी नहीं है, और बालकनी से कोई कैसे थपथपा सकता है रूम, तो ये बहुत ही अजीब था। उस कुक ने भी 3-4 बोल दिया कि भाई यहाँ कुछ भी सही नहीं हो रहा। अब क्या होता है, ये ना जब उस रूम में आए होते ना फर्स्ट डे, तो ना ये इन्होंने सोफ़ा वगैरह रखा था, अनटच्ड होता है, मैंने सब कुछ तुम्हें जैसे बताया, एक ना स्लेब टाइप में था रखने वाली जगह, वहाँ पर ना कोई घाघरा था, तो इन्होंने क्या करा, टेबल वगैरह गंदे थे, तो बाहर से ऑनलाइन खाना वगैरह मंगाया, वो घाघरा उठाया और उस टेबल पे रखा, और उस पर रख कर खाना खाने लग गए, बहुत नॉर्मल चिल, किसी को कुछ नहीं पता। जो वो लड़की थी जिसको वो सपना आया था, ड्रीम आया था कि कोई लड़की पंखे पर लटकी हुई है, और वो ना इसकी तरफ ऐसे देख रही है, उस लड़की ने घाघरा पहना हुआ था, ये उसने बाद में बताया, जब सबको बताया ना कि मुझे एक ऐसी लड़की दिखी है। अब हुआ क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ कि बाद में कैसे चीज़ें कोरिलेट हुई। अब जब दूसरी टीम आई, उन्होंने भी यही चीज़ कही कि हमारे साथ सेम हो रहा है, फुट स्टेप्स के चलने की आवाज़ आ रही है, कोई चीखने की आवाज़ आती है, और इस घर में ना बड़ा डार्क सा फील होता है, नेगेटिव फील होता है बहुत ज़्यादा, मतलब कोई नेगेटिव और ऐसा फील होता है, उन्होंने सब ने ऐसा कहा। तो मेरे फ्रेंड ऋषभ ने कहा यार ये सब ऐसा कह रहे हैं, एक दिन मैं खुद रहकर देखूंगा। वो खुद गया उस घर में, उस घर में रात को रुका। अब जब वो रात को रुका तो उसके साथ क्या हुआ, उन्होंने रात को पहले खाना वगैरह सब ने खाया, 2-3 लोग थे जो वहाँ उस दिन रात को रुके, तो मेरा फ्रेंड ऋषभ भी वहाँ को रात को रुका। अब जब वो रात में रुका ना, तो उसको खुद रात को ना काफ़ी हैवीनेस फील होने लगी। हैवीनेस में तुम्हें कैसे समझाऊँ कि एक रूम में तुम हो, तुम्हें ना सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तुम्हें बड़ा हैवी फील हो रहा है, तुम्हें ना मतलब तुम सो नहीं पा रहे हो, आँख बंद नहीं कर पा रहे हो, आँख बंद कर रहे हो ना तो तुम्हें थोड़ा सा ना बेचैनी हो रही है, बेकाबू सा फील हो रहा है, तो तुम आँख खोल ले रहे हो, और तुम सांस ले रहे हो तो तुम्हें सांस लेने में भी थोड़ी दिक्कत फील हो रही है, तो ऐसी हैवीनेस फील हुई। और सडनली क्या होता है, उसको ना जैसी आँख बंद होती है, उसको मेरा सेम ड्रीम आता है कि एक लड़की पंखे पे लटकी हुई है, उसने घाघरा पहना हुआ है, और वो ऐसे नीचे देख रही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हुई, जो मेरा फ्रेंड था उसको ये चीज़ रिकॉग्नाइज हुई कि भाई जिस टेबल पर हमने 9-10 बजे खाना खाया रात को, जो घाघरा था ना भाई, जो मैंने ड्रीम में देखा, वो घाघरा और वो घाघरा मैच कर रहा था। वो उठा एकदम से चीख मारता हुआ, अपने दोस्तों को बोला उसने कि भाई यहाँ ठीक नहीं रहा, बाहर आके जैसे उसने टेबल पर देखा वही घाघरा पड़ा था, सेम टू सेम वही घाघरा। वो उस टाइम पर इतना डर गया कि वो वहाँ से उन बंदों को लेकर निकला, रात को ही निकल गया और अपने घर पहुँच गया। उसने अर्ली मॉर्निंग जो उस घर का ऑनर था उसको कॉल करी, उसको बोला भाई आपके घर में भूत है और कोई ना कोई नेगेटिव स्पिरिट है, हमें फील हुआ है, मेरी पहली टीम ने फील करा, मेरी दूसरी टीम ने फील करा, इनफैक्ट मैंने खुद ने फील करा। तो उस अंकल ने कहा कि ऐसा वहाँ कुछ भी नहीं है। तो ना मेरे दोस्त ने कहा कि तुम ना हमें सिंपल बता दो कि वहाँ क्या हुआ है, क्या एक्टिविटी हुई है, क्योंकि
अगर हम तो उसको घर में दोबारा जाने वाले हैं नहीं, और जो हमारी सिक्योरिटी आपने 25,000 ले रखी है वो भी अपने पास रखो, रेंट भी अपने पास रखो, हम नहीं जाएंगे, बट कुछ हुआ था तो हमें बता दो, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमें पता होनी चाहिए। तो शंकर ने कहा कि वहाँ पर मेरी बेटी ने सुसाइड अटैम्प्ट करा था, तो उस वजह से हमने वो घर छोड़ा था, क्योंकि हमसे नहीं रहा जा रहा था कि हमारी बेटी ने वहाँ सुसाइड अटैम्प्ट करा है। और उसके बाद हम किसी घर, नए घर में जो है शिफ्ट हो गए थे, और काफ़ी टाइम से वो घर खाली था। तो इन्होंने बोला कि जो घाघरा वगैरह था वो रखा, वो आपकी बेटी का था? तो उन्होंने कहा हाँ वो हमारी बेटी का था। तो इनको ये चीज़ रिलेट हुई कि जो वो पंखे में लटकी हुई लड़की दिखी थी, उसने जो घाघरा पहना हुआ था वो वही घाघरा था जो वो टेबल पर रखा हुआ था, और ये वही लड़की थी जिसकी फ़ोटो पर हार चढ़ा हुआ था। ये सारा का सारा वो लिंक्ड था, इसलिए वो घर में आवाज़ें आती थी, वो चलने फिरने की, डोर स्टेप्स की, ठीक है, और नीचे से कोई थपथपाने की, वो हैवीनेस, वो लटका हुआ गला दबने की महसूस होना, ये सब इसलिए इनको फील हो रहा था क्योंकि उस घर में उस लड़की की स्पिरिट थी। और वो इसीलिए, मतलब इतना सब कुछ इनके लिए बेकाबू हो गया था, इन्होंने इंस्टेंटली उस घर को छोड़ दिया। उस अंकल को कहा सिक्योरिटी अपने पास रख, रेंट अपने पास रख, हमें आना ही नहीं है। और इसने मुझे वो चैट भी दिखाई है जिसमें इसने अंकल को कहा है, अंकल को, कि ये अपने पास रखो पैसे सब कुछ, हमें या नहीं आना। तो यार ये किस्सा था जो ऋषभ ने मेरे साथ शेयर करा, एंड आप लोगों को क्या लगता है इस किस्से के रिगार्डिंग मेरे साथ, ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। यार ये मेरे फ्रेंड ने मेरे साथ शेयर करा बैठ कर, तो मुझे ऐसा था कि यार ये मुझे तुम सबके साथ शेयर करना चाहिए। और तुम सबके क्या ओपिनियन है मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। एंड अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा किस्सा है जो तुम लोगों को लगता है सबके साथ शेयर होना चाहिए, इंस्टाग्राम हैंडल मेरा ये रहा, यहाँ मुझे फॉलो करो, अपनी अपनी स्टोरीज मेरे साथ यहाँ शेयर करो, मैं सब रीड करूंगा और सबके साथ यहाँ शेयर करूंगा। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है, एंड आई होप तुम सबको मजा आया होगा। मजा आया तो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।